नमस्कार दोस्तों। तो कल के डेट में आपके पास IBPS PO का नोटिफिकेशन आया था एंड टोटल वैकेंसीज कल के डेट में जो थे वो 1167 थे। बट आज के डेट में आपके पास एक बहुत ही अच्छी खबर है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर किया है। अगर ये आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कल का यहाँ पर नोटिफिकेशन है। बट अगर हम आज की बात करें तो आज के नोटिफिकेशन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर वैकेंसी जो है टोटल में 250 है। और कल के डेट की बात करें तो कल के डेट में देखिए NR लिखा है, मतलब नॉट रिपोर्टेड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक है जिन्होंने यहाँ पर वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। देखिए जो बैंक यहाँ पर जीरो है उनका मतलब क्लियर है कि वो वैकेंसी जो है डिक्लेयर नहीं करेंगे, सीधा जीरो वैकेंसी दे दिया। बट जो जो बैंक के सामने NR लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कहीं ना कहीं यहां पर बैंक जो है वो अपना वैकेंसी कभी ना कभी यहां पर डिक्लेयर कर देगा। तो यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो उसने यहां पर आज 250 वैकेंसी जो है अपना डिक्लेयर कर दिया है। तो हम यही उम्मीद करेंगे बाकी बैंक से, जैसे कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, देन यहाँ पर आपका हो गया पंजाब नेशनल बैंक, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी NR है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका वैकेंसी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। और कैनरा बैंक, ये जो बाकी बैंक है जिसके सामने NR लिखा है, वो कभी ना कहीं अपना वैकेंसी जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिक्लेयर करेगा। तो हम अब उम्मीद यही रखते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए। 4 घंटा पढ़ रहे हैं उसकी जगह 8 घंटा पढ़िए, तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आपका यहां पर एग्जाम तो डेफिनेटली निकलना ही है। तो बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो बेस्ट ऑफ लक, जैसे तैयारी कर रहे हैं आप वैसे ही तैयारी अपना जारी रखिए, और आप हिम्मत बिल्कुल ना हारें, आपका वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और आपको बस अपनी तैयारी जो है अच्छे से जारी रखनी है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।